पहाड़ों पर बारिश से यूपी की नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में नदी में 45 से ज्यादा घाट डूब गए हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट भी डूब गया है। शवों को जिस जगह जलाया जाता था वहां पानी भर गया है। छतों और गलियों में लाशें जलाई जा रही हैं। शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। साथ ही वाराणसी में लगातार बारिश जारी है। बाबा मसानाथ के मंदिर में गंगा का पानी भर गया है। गंगा आरती स्थल 5वीं बार बदला गया है। दशाश्वमेध घाट के बजाय आरती छत पर हुई है। गंगा का जलस्तर 66 मीटर पहुंचने वाला है, हालांकि वार्निंग लेवल से 4 मीटर कम है। कन्नौज और कानपुर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। कन्नौज में गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर तो कानपुर में 65 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट यानी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जबकि वाराणसी प्रयागराज समेत 25 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। बिजली भी गिर सकती है। मौसम विज्ञानी की माने तो मानसून की ट्रफ लाइन सोनभद्र से गुजर रही है। आज शाम तक बंगाल की खाड़ी की ओर बादल आ सकते हैं। फिर से डीप डिप्रेशन बनने की उम्मीद है। प्रदेश में 4 दिन बारिश के बाद अब मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है। अगले 2-3 दिन में फिर से पूरे यूपी में मानसून एक्टिव हो जाएगा। इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार अगले 24 घंटे में दिन के तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।